हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह सभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। एज यूजुअल पोहा बना रही हूँ मैं। आप लोग सोचोगे कि हमारे घर में सबको पोहा पसंद है, तो बन रही है चाय और साथ में पोहा और पापड़ वगैरह। तो बस अभी फ़िलहाल जल्दी फटाफट से पोहा बनाते हैं, नाश्ता देते हैं। भाई मेहमान आए हैं, खाला आई हैं हमारी, बच्चे आए हैं, तो बच्चों को पोहा पूछ लिया था मैंने क्या बनाना है, तो उन्होंने कहा पोहा बना दो, तो पोहा बना रही हूँ और बस फटाफट से बनाते हैं। फिर जो है अभी हमारे जेठ जी भी आ रहे हैं दावत देने के लिए, क्योंकि आज उनके यहाँ पे है कुरान खानी, तो वो दावत देने के लिए आ रहे हैं। तो अभी उनका फ़ोन आया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि मैं दावत देने के लिए आ रहा हूँ, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ आ जाओ। और तो बस अभी तो फ़िलहाल यही सारा सब कुछ चल रहा है तमाम, तो पोहा बनाते हैं और फिर सबको नाश्ता कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आगे बने रहिए वीडियो में। और अल्लाह तुम तो पूरी गंदी हो, पन सो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जा सो जा। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए चले गए थे अपने नए घर पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पूछने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब कुछ लाइट्स वगैरह का इशू हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं चले गई थी थोड़ी देर के लिए और अभी घर आ गई हूँ। तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लेट होता जा रहा है, लेट होता जा रहा है। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने जेठानी के घर, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल ये करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है? सो गाइस मैं हो गई तैयार, बस अभी निकल रहे हैं घर जाने के लिए, और मतलब लेट हो गए यार, थोड़ा सा लेट हो गए। चलो कोई नहीं, और यहाँ हो रहा है रेडी, चलो। सो गाइस अभी हम लोग निकल आए घर के लिए, और बस साथ में ये देखो रेन कहाँ बैठी है, ऐसे बैठना उसको अच्छा लगता है। और हमारा घर पीछे निकल गया और बस अभी पहुँचने वाले हैं। झालर निकल गई, तो आ गए घर पे। घर तो गाइस पहुंच गए हम अपनी ससुराल, अपनी जेठानी के घर। अब वही बड़ी हैं, तो भाई मतलब ससुराल ही समझ लो, हमारा ये ससुराल ही है। तो वो सभी पहुंच गए हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर,
और आज इनाया जो है थोड़ा सा उदास ही लग रही थी मुझे, आज मस्ती नहीं कर रही थी वो ज़्यादा, तो थोड़ा सा ऐसे ही था उसके साथ में। बच्चों का माइंड थोड़ा सा चेंज होता रहता है, खैर कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। फिर बाद में जो है और उनके साथ में खेलने लग गई थी और यहाँ पर इन लोग की बातें चल रही हैं। सो गाइज़ अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तो मौनी वगैरह भी आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग। तो गाइज़ मैंने तो खाना खा लिया, इतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनी थी ना कि मज़ा ही आ गया, और वो सभी भाभी भी आ गई। तो गाइज़ यहाँ पर मैं भाभी को दिखा रही थी अपना घर, और बस यहाँ पर अभी वो सारी चीज़ें देख रही हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा बना है, उन्होंने तारीफ भी बहुत की घर की, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है हमारा घर, मतलब जेठानी का घर है हमारा घर की। और बस उसके बाद यहाँ पर बाहर सब लोग जा रहे थे बनवाई बन, जैसे मोहनी वगैरह आई हुई थी आशाबाजी की, तो वो लोग जा रही थी, तो सबको बस बाहर तक छोड़ने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर फ़ौरन उनको बाय बोल रही हैं, तो बस अभी वो लोग चले गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकल आए थे वहाँ से, बातें बातें करी बहुत सारी, फिर उसके बाद निकल आए थे। तो यहाँ पर अभी हम अपने घर पे आ गए हैं। मैं तो सुबह के टाइम में आई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो भाभी तो अभी नहीं आई थी क्योंकि भाभी जो है बहुत टाइम से नहीं आई हैं, जब हमने प्लॉट भी नहीं खरीदा था उस टाइम पे भी नहीं थी भाभी, तो अभी वो देखने के लिए आई हैं। तो अभी तो फिलहाल काम वाम चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ बस सारा सब कुछ फैला रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से निकल ही रहे थे तो भाभी को दिखा दिया, अब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चीज़ देखने में अलग लगती है ना। खैर तो बस यहाँ पर अभी हम लोग निकल आए घर जाने के लिए, तो भाभी बोल रहे थे लाओ मैं स्कूटी चला कर दिखाती हूँ, क्योंकि भाभी चला लेती हैं स्कूटी बहुत अच्छे से, तो अभी बहुत टाइम से नहीं चलाई है क्योंकि शादी हुई हो जाती थी एकदम से नहीं होता है ना, तो अभी अभी वो चला कर देख रही है क्योंकि सुनसान रोड पड़ी हुई है, तो बस यहाँ पे अभी देख रही हैं वो चला कर, लेकिन अच्छे से चला ली थी उनने। वहाँ ग्वालियर में तो वो जाती थी अपने मम्मी वगैरह को लेकर के मार्केट वगैरह, तो बहुत चलाती हैं वहाँ पे, तो लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं चलाई है। देखो ससुराल में आ जाते हैं तो थोड़ी टाइम के लिए छूट जाती है, मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था, मैंने भी बहुत टाइम तक नहीं चलाई। अभी हम लोग आ गए घर, धीरे धीरे करके जहाँ तैयार आई हूँ तब से मैंने चलाना शुरू कर दिया। मैंने तैयार तो मैं पहले से ही थी, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मी के साथ, तो चलो मार्केट चलते हैं। परंतु तो सो गई, उसको मैंने यहाँ से ला दिया है, तो आराम से सोएगी अभी एक डेढ़ घंटे दो घंटे तक, फिर अभी चलते हैं बस। तो गाइस हम लोग निकल आए हैं मार्केट के लिए क्योंकि खाला को कुछ काम था, तो बस खाला भी आई हुई हैं, खाला के काम से ही आए हुए हैं। देखो काम बनता है या नहीं, जो भी होगा आप लोगों को वीडियो को मैं पता ही चल जाएगा कि अगर काम बनेगा तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं, और बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं। सो गाइस मार्केट से आने के बाद हम लोगों की बहुत सारी बातें चली थी, हम सब लोग बैठ करके मिल करके बातें ही कर रहे थे, तो बस अभी बातें करी, खाना वाना खाया और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आ गई आगे हॉल में, तो यहाँ पर मुझे ना मेहंदी की कौन मिली थी, तो बस यहाँ पर मैंने सोचा यार पैरों में मेहंदी अच्छी लगती है, तो ना बस मैंने नेल्स पे लगा लिया है, और यहाँ पर भाभी लगा रही है मायरा के मेहंदी का, कि भाभी को बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा था मेहंदी लगाने का कि किसी के मैं लगा दूँ मेहंदी हाथों में, तो बस यहाँ पर अभी वो मायरा के हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, और वो ना माशाल्लाह से भाभी जो है मेहंदी माशाल्लाह से भाभी जो है मेहंदी अच्छी लगा लेती हैं, उनको अच्छी लगाना भी आती है। मैं तो जो है ना शादी से पहले लगाना आती थी, लेकिन अभी मैं सब कुछ भूल भाल गई है, मुझे ना अच्छे से एक तो देखो एकदम प्रैक्टिस करते हैं ना तब जाके चीज़ें और अच्छे से सफाई आती है, लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, तो अभी जो है ना मेरा ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पर जो है इकरा लेटी हुई है, इकरा को आया हुआ है फीवर, तो वो यहाँ पर लेटी हुई है और मम्मी यहाँ पर अपने पोते के साथ,
हमेशा हारून जो है मम्मी के पास ही रहता है, भाभी के बाद ज़्यादातर मम्मी के पास रहता है। तो अभी वो अपनी दादी मम्मी से चिपका हुआ है और मम्मी बातें भी करती जा रही हैं, उसको भी लिए हैं गोद में और बस यहाँ पे सब लोगों की बातें बातें चल रही हैं। तो भाभी अब लगाने लग गई हैं खाला को मेहंदी। वैसे खाला को बिल्कुल भी शौक नहीं है मेहंदी लगाने का या लगवाने का, तो वो मना कर रहे थे, लेकिन भाभी ने बोला कि लाओ मैं लगा ही देती हूँ थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला चलो थोड़ी सी लगा दो, लेकिन फिर भी जो है उनका पूरा हाथ कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर अभी मैं आ गई अंदर, तो यहाँ पर हुरैन मुझे बोल रही थी आ जाओ गोदी आ जाओ। तो मैंने उससे बोला कि मुझे गोद ले लोगी, तो बोलती है हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो हुरैन मुझे गोदी में लेने की बोल रही है। और बस यहाँ पर अभी हम दोनों माँ बेटी की चल रही हैं बातें, और यहाँ पर तब तक खाला के हाथ की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ी सी सिर्फ एक उंगली बची हुई है इसमें और लगाना है। बाकी हारून भी रो रहा था तो फिर उसको भी देखना था, क्योंकि छोटा बच्चा है, बार बार से उसको भूख लगती है, बार बार से वही सुसु वसु कर लेते तो जल्दी से पेट उसका खाली हो जाता है। तो बस वही बता रहे थे कि जल्दी से इसको ख़त्म करो मेहंदी को, मतलब पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद हारून को ले लेना। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी खाला के हाथों में, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो वैसे भाभी जो है मेहंदी अच्छी लगा लेती है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम है, वो भी अगर प्रैक्टिस करेंगी तो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आए तो फिर देखा कि हुरैन को लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, और उसको ओरियो बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन उसका ऐसा होता है ना कि सिर्फ क्रीम खाती है, बाकी बिस्किट रख देती है। तो यहाँ पर हम लोग इसी बात पर हंस रहे थे, देखो इसने क्रीम चाट ली और बिस्किट को दोनों चुपका के और फिर रख दिया, और यहाँ पर हम इसी बात पर हंस रहे थे, ये देखो मुझे कैसे देख रही है गुन्ना के एकदम से, क्यों मेरी बातों पर हंस रही हो। और बस उसके बाद फिर उसने कुछ खाया नहीं, बिस्किट एक लिया था वो भी मुझे ही खिला दिया। तो गाइस घर में सब लोग जब आ जाते हैं ना तो रात के 1 बज जाए 2 बज जाए पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो आगे सबकी बातें चल रही, मैं आ गई थी अपने रूम में हुरैन को थोड़ा सा कुछ खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन वही है ना कि बच्चे जब भी कुछ करो तो खाते नहीं है। अल्लाह करो। तो गाइस यहाँ देखो रात के बज रहे हैं 12 और मामू भांजी में चल रही है मस्ती, इतनी ज्यादा मस्ती है, जंपिंग चल रही है। अभी तक इनको नींद नहीं आ रही है और मायरा को भी नींद नहीं आ रही है। हाँ ABC। सो गाइस ये से था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, अल्लाह हाफिज़।